गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर सेकंड की रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर सेकंड में हम लोग टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर अवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन होते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। हेडिंग है आज की आपकी व्हाट डू वेरियस एनर्जी फॉर अवर बॉडी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स होता है मुख्यतः हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, यानी ताकत देता है। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जो फैट होते हैं वो भी हमें एनर्जी ही देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर बेटा सेम अमाउंट हम कार्बोहाइड्रेट के लेते हैं, जितना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट है उतना ही अमाउंट अगर हम फैट का लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट जो होता है वो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वो हमें ज्यादा ताकत देता है, ज्यादा एनर्जी देता है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, तो आपके जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फिगर 2.3। जैसे यहाँ पे बेटा आपका फिगर 2.3 एंड 2.4 में दिया हुआ है, 2.3 में दिया हुआ है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपके हो गए स्वीट पोटैटो, पोटैटो, सुगर केन, पपाया, ठीक है, मिलन, मैंगो और बाजरा, राइस, वीट, ये सारे जो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस होते हैं। और 2.4 में दिया हुआ है आपको जो आपके फैट के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, जैसे आपका ग्राउंड नट्स, ठीक है, नट्स हो गया, और कोई भी तिल, तिल यानी कि जैसे आपका तिल बोलते हैं ना, ब्लैक तिल भी होता है, व्हाइट तिल भी होता है, वो भी हो गया। और जो भी आप ऑयल लेते हैं, इस कुछ भी कोई भी ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, इन सब में फैट होता है, ठीक है, या सोयाबीन ऑयल। उसके बाद इसके अलावा मीट, फिश, एग, मिल्क, क्रीम, बटर, घी, इन सब में भी आपका जो होता है फैट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 2.5 फिगर में प्रोटीन्स के सोर्सेस दिए हुए हैं। आपका दिया हुआ है ग्राम, मूंग, उड़द दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, मीट, फिश, पनीर, एग एंड मिल्क, इन सब में प्रोटीन्स होता है आपका पाया जाता है। प्रोटीन्स बेटा जो मेनली होता है, जितनी भी आपकी पल्स होती है, दाल होती है, उस सब में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसे आपका चना दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, उड़द दाल, अरहर दाल, इन सब में प्रोटीन होता है, ठीक है। कोई भी दाल होती है, सब में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा आपका फिश में प्रोटीन होता है, मीट में होता है, एग में होता है और मिल्क में, इन सब में भी होता है। फिर दिया है विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। जो विटामिन्स होती है वो हमारी बॉडी की हेल्प करती है किससे, बीमारियों के अगेंस्ट, यानी बीमारियों से लड़ने में, बीमारियों से बचाने में हमारी बॉडी की जो विटामिन्स होती है वो हेल्प करती है, ठीक है। और विटामिन्स होते हैं बेटा ग्रीन वेजिटेबल में, मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स में पाई जाती है। इनका वर्क क्या होता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी को डिसीज से बचाती है, बीमारियों से रक्षा करती है, ठीक है। फिर बोला गया विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड जंग्स हेल्थ। और विटामिन्स का एक यूज और होता है कि वो हमारी आईज को क्या ध्यान रखती है, टीथ का, दांत का, बोन्स, हड्डियों का, और जंग्स से हमारी बॉडी को बचाती है, ठीक है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन एज डिफरेंट नेम्स।
विटामिन्स के डिफरेंट काइंड भी होते हैं, अलग कई प्रकार होते हैं, उनको उनके नामों से भी हम जानते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। मेनली जो बेटा विटामिन होते हैं वो आपके 6 टाइप्स के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ठीक है। 6 होते हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ये आपके विटामिन के टाइप्स होते हैं, ठीक है, काइंड्स होते हैं। इन सब का वर्क भी अलग अलग होता है, ठीक है। ए विटामिन ए का वर्क अलग होता है, बी का अलग होता है, सी का अलग, डी सबका अलग अलग वर्क भी होता है। फिर देयर इज नोन अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इन सब के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी को स्मॉल यानी कि छोटी मात्रा में हर प्रकार की विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन जो ए होता है हमारी आईज को और हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए से क्या होता है? हमारी आईज हेल्दी होती है, आईज की रक्षा होती है और हमारी स्किन को भी वो हेल्दी बनाता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीज। विटामिन सी जो होता है वो कई सारी डिसीज से हमारी बॉडी की रक्षा करता है, ठीक है। विटामिन डी हेल्प अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो होता है उसका यूज होता है कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम को यूज करता है जिससे कि हमारी बोन्स, हमारी हड्डियां, हमारे दांत मजबूत बनते हैं। इसके बाद है फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन एज फिगर 2.6 एंड 2.9। यहाँ पे फिगर 2.6 से लेकर 2.9 में आपको ये बताना है कि विटामिन से क्या क्या आपके रिचेस कहाँ किसमें कौन कौन से विटामिन पाई जाती है, ठीक है। इस सबको आप बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ें क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। हमारी बॉडी के लिए बेटा स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स का भी यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड द मेंटेन गुड हेल्थ। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। बोल रहा है कि मिनरल्स हमारी बॉडी को मतलब ग्रोथ देता है, ठीक है, उसका मेंटेन करता है और बहुत ही हेल्दी मतलब गुड हेल्थ, हमें अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराता है। इसके भी सोर्सेस दिए हुए 2.10 में, जैसे क्या क्या मिनरल्स के हैं। सम सोर्स ऑफ आयोडीन के, जैसे गिंगर्स हो गए, ठीक है, इनमें आयोडीन पाया जाता है। इसके बाद आपका मिल्क हो गया, ठीक है, इसमें आपका फास्फोरस होता है, मिल्क, बनाना, इन सब में फास्फोरस पाया जाता है। आयरन में क्या होता है? आपका पालक हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब में आयरन पाया जाता है। और कैल्शियम में मिल्क एंड एग, इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमारी बॉडी के लिए विटामिन से क्या यूज होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं, इनका क्या यूज होता है, प्रोटीन से क्या यूज होता है। तो हमने पढ़ा जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होते हैं इसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन्स, जो विटामिन्स का यूज होता है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी से मतलब बॉडी की जो रक्षा होती है बीमारियों से करता है, ठीक है, डिसीज से लड़ता है, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद मिनरल्स होता है, ये हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है, मेंटेन करता है, उसे गुड हेल्थ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और विटामिन्स के टाइप्स पढ़े, कितने टाइप्स होते हैं? विटामिन्स के टोटल 6 टाइप होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ठीक है, 6 टाइप होते हैं। और इनसे बेटा डिसीज भी होती है, अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो इनसे कई प्रकार की डिसीज भी हो सकती है, ठीक है। जैसे विटामिन ए से जो होता है 9 ब्लाइंडनेस होता है यानी रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी से जो होता है बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, और ई से क्या होता है कि विटामिन ई की कमी से भी क्या होता है कि जैसे किसी किसी के आप लोगों ने सुना होगा कि बेबीज वगैरह नहीं होते तो उनको जो होता है विटामिन ई की कमी होती है, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग से होता है विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। तो ये सब इनके मतलब इनसे बीमारियां भी होती है, इसलिए हमें ऐसा एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे जिसमें सब कुछ आए, कैल्शियम भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, फैट्स भी हो, ये सब हो, ठीक है।
और हम प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी होती है। किससे पाया जाता है, ये फल से पाया जाता है, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे। आपका होमवर्क है कि आप सबके सोर्सेस लिख के लाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इन सबके सोर्सेस क्या होते हैं ये आपको लिख के लाना है, ठीक है। और विटामिन के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की विटामिन होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण के सोर्स क्या होते हैं। सोर्स का मतलब होता है किन चीजों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा किन चीजों में ये पाया जाता है, ठीक है।